ऋतु ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 326 में आपका स्वागत है। वृष लग्न में मंगल का फल 12 भावों में हम देखने जा रहे हैं। तो वृष लग्न में अगर देखें तो मंगल एक मारक ग्रह है, मंगल अच्छा फल नहीं देंगे। अगर बलाबल उनका कम हो, डिग्री वाइज कम हो, तो ही अच्छा फल देंगे। लेकिन इस लग्न में मंगल दोष कहीं से भी नहीं बनेगा, मंगल कहीं भी आए, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मंगल की बात करूँ तो मंगल मकर राशि मुच के, कर्क मिनीच के, मेष और वृश्चिक राशि के वो स्वामी होते हैं। मंगल जो आदमी का भाग्योदय करते हैं वो 28 वर्ष के बाद ही करते हैं। अगर मंगल दोष हो अगर किसी को, तो वो उनको शादी 28 वर्ष के बाद करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे मंगल दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा मंगल से रिलेटेड पूजाएँ हैं, कुंभ पूजा इस तरह की वो कर लें तो उससे भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मंगल की जो दृष्टि होती है चौथी, सातवीं और आठवीं होती है। चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इसमें आते हैं। मंगल यहाँ पर प्रथम भाव में अगर मंगल आते हैं बहुत खराब फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। हर काम में जल्दीबाजी करेगा जातक। यहाँ से 1, 2, 3 चौथे घर में माता सुख, गाड़ी सुख, इसमें नुकसान करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सातवां घर अपने घर को देखेंगे तो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर उसको बचा लेंगे, उससे रिलेटेड इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं के घर के देख रहे हैं, इस कारण मंगल दोष भी नहीं बनेगा। यहाँ से जाएंगे आठवें घर में, यहाँ पर नुकसानियाँ देंगे, परेशानियाँ देंगे, ससुराल से दिक्कत करेंगे, मृत्यु तुल कष्ट तक जितने भी होते हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रूर परेशानी में डालेंगे। दूसरे घर में अगर मंगल देव बैठते हैं तो दूसरे घर में मंगल मारक है। मंगल के मारक होने से यहाँ पर क्या होगा, और बुरा फल। यहाँ से आप ये समझिए परिवार से नहीं पटना, कुटुंब से नहीं पटना, वाणी बहुत खराब। यहाँ से अगर वो मैं दृष्टि की बात करूँ तो 1, 2, 3 चौथी दृष्टि पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी सारी हानियाँ सारी नुकसानियाँ ज़रूर यहाँ पर देगा। इसके अलावा अगर यहाँ से हम चलते हैं 5, 6, 7 घर की अगर बात करूं तो यहां भी ये ख़राब करेगा, हर काम में रुकावटें लाएगा, काम अच्छे से होने नहीं देगा। और अगर 9 घर की बात करूं, यहां से इसकी 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो भी ख़राब, पिता से नहीं पटेगी, नास्तिक होगा, धर्म को नहीं मानेगा, विदेश यात्राओं के योग जरूर बनेंगे। अगर तीसरे घर में बात करें तो तीसरे घर में जब मंगल देव आते हैं यहाँ के वो कारक भाव भी होता है यहाँ से उनके लिए ये, लेकिन यहाँ पर कर्क राशि में वो नीच के हो जाते हैं। सबसे बुरी मार यहीं से पड़ेगी, कहीं मंगल की दशा या अंतरदशा प्रत्यंतरदशा कहीं भी आया मंत्र, अगर मंगल की महादशा चल पड़ी तो बहुत बुरा फल यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ से भाई बहनों से नहीं पटने देंगे, पराक्रम का फल नहीं मिलने देंगे, मेहनत का फल जीरो मान के चलिए, मंगल नीच के होने से बहुत बुरा फल देते हैं। अगर इसमें हम बात करें यहाँ से 1, 2, 3 चौथा घर, तो यहाँ से रोग ऋण बाधा 5, 6, 7 घर, पिता से नहीं पटना है, पिता से परेशानी रहना है, इस तरह की दिक्कतें, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ सारी चीज़ खराब, प्लस इन घरों में भी क्या करेंगे वो दिक्कतें करेंगे, 8वें घर में, 7वें घर में और 12वें घर में, क्योंकि खुद का घर है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें कम हो सकती हैं लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं चौथे घर की बात करूं, 1, 2, 3, 4 चौथे घर से रिलेटेड नीच के हो गए तो यहाँ भी बहुत अच्छा फल वो नहीं देने वाले। अगर मैं यहाँ पर बात करूं चौथे घर में, तो चौथे घर में यहाँ से दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम, सुख सुविधा माता उनसे दिक्कत। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अपने घर को देख रहे हैं, पार्टनर बिजनेस उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर को ख़राब नहीं, क्योंकि कोई भी घर अपने घर को ख़राब नहीं करता। अगर यहाँ से जाते हैं वो फिर अगला घर, यहाँ से 4, 5, 6, 7 घर, इस घर को ख़राब करेंगे, बिजनेस प्रोफेशन को ख़राब करेंगे, 8वें घर को ख़राब करेंगे, बड़े भाई बहनों से नहीं पटने देंगे, आय में हमेशा दिक्कत करेंगे, हमेशा परेशानी करेंगे, तो यहाँ पर इस घर में अच्छा फल नहीं देंगे। छठे घर में अगर मंगल आते हैं पुत्र प्राप्ति का योग ज़रूर बना देंगे यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से पेट की बीमारी देंगे, 1, 2, 3, 4 चौथे घर से यहाँ पर जो हर काम में रुकावटें आएंगी, मृत्यु तुल कष्ट तक ले जा सकते हैं। यहाँ से जाएंगे 5, 6, 7 घर, 7वां घर अगर देखें तो फिर वही की वही स्थिति, बड़े भाई बहनों से पटने नहीं देंगे, हमेशा दिक्कतें करेंगे। इसके अलावा 8वां घर, 8वें घर से भी कोर्ट और इस तरह के खर्चे, कोर्ट के खर्चे और ये सारे खर्चे बढ़ा देंगे। अब अगर बात करूं मैं 7वें घर की, तो 7वें घर में अगर छठे घर में आते हैं, छठे घर में यहां पर हमेशा रोग ऋण बाधा को बढ़ाएंगे। यहां से देखेंगे इस घर को, तो यहां से भी कोर्ट कचहरी के खर्चे को बढ़ा देंगे, क्योंकि 8वें घर में वो कभी अच्छा फल नहीं देते, लेकिन खुद के घर को देख रहे हैं तो भी ये क्या करेंगे, यहाँ पर समस्याएं लगाएंगे, क्योंकि घर बहुत ख़राब है। इसके बाद अगर बात करूँ तो चौथे घर, तो पिता से दिक्कत, पिता से नहीं पटने की मनमुटाव। इसके अलावा यहाँ से धार्मिक प्रवृत्ति में भी कमी करेंगे। 5, 6, 7 बता दिया, 8वां घर लग्न को देखेंगे, लग्न को भी ख़राब ज़रूर करेंगे।
अगर यहाँ से आते हैं सातवें घर में, सातवें घर में ये स्वग्रही हो जाते हैं, पत्नी, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, इनसे कोई समस्या नहीं रहने वाली है। लेकिन यहाँ से अगर बात करूँ तो चौथा घर जो आपका बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ है वो ख़राब करेंगे। पाँच छः सातवां घर यहाँ से अपनी लग्न को देखेंगे तो लग्न को भी यहाँ से बहुत अच्छा वो फल नहीं देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ उच्च के यहाँ वो वैसे भी नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ भी ख़राब करेंगे। इसके अलावा आठवें घर में इसके ये वाणी ख़राब, परिवार के साथ बिल्कुल नहीं रहते, परिवार से इनको दिक्कत मिलना तय है। अगर मैं आठवें घर की बात करूं तो आठवें घर में मंगल हर काम में रुकावट डालेंगे, किसी भी काम का अच्छा रिजल्ट नहीं आने देंगे। इसके अलावा यहां से 1, 2, 3, 4 लाभ नहीं होने देंगे, किसी प्रकार के बिजनेस में तरक्की नहीं होने देंगे। 5, 6, 7 यहां से सातवें घर में अगर जाएंगे तो वाणी खराब करेंगे, परिवार से संबंध खराब करेंगे। आठवें घर में देखें तो छोटे भाई बहनों से भी यहाँ पर दिक्कत रहेगी, प्लस अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो यहाँ से पत्नी को बीमार कर देंगे, यहाँ पर बैठ जाते हैं तो यहाँ के इस घर को भी दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के पत्नी को ज़रूर बीमार करेंगे, क्योंकि ये घर यहाँ से बैठेंगे तो भी पत्नी से रिलेटेड दिक्कतें वो ज़रूर पैदा करेंगे। अब बात करें कि अगर मंगलदेव नवे घर में आते हैं तो नवे घर में ये बेसिकली क्या करेगा, ना पिता को आदर करेगा, ना धर्म को मानने देगा। यहाँ से जाएंगे 1, 2, 3, 4 चौथे घर में तो कोर्ट खर्चे इस तरह के सारे बढ़ा देंगे। इसके अलावा यहाँ लेकिन विदेश जाने के योग ज़रूर बना देंगे। इसके अलावा यहाँ से 5, 6, 7 घर छोटे भाई बहनों से दिक्कत, 8 घर माता से भी दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं अगर हम आते हैं 10वें घर में, तो 10वें घर में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ से पैदा करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो गाड़ी, वाहन, माता, यहाँ से भी दिक्कत करेंगे। यहाँ से जाएंगे 1, 2, 3, 4 चौथा लग्न, लग्न में भी दिक्कत कर सकते हैं। 5, 6, 7 आठवां घर में पुत्र प्राप्ति का योग ज़रूर बनाएंगे, लेकिन यहाँ से हमेशा पेट खराब कर देंगे। इसके अलावा धर्म को तो मानेगा ही नहीं और मन भी हमेशा क्या रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। अब मैं बात करूँ अगर ये आते हैं, अगर यहाँ पर आते हैं, ये कहाँ पे इस घर की बात कर रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर आते हैं 11वें घर में, एकादश भाव में मंगल के आने से जितनी भी लाभ की संभावना है, जितने भी हमें प्रॉफिट्स होने वाले हैं, वो सब एकदम से बर्बादी में चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ से कुटुंब वाणी को भी दिक्कत करेंगे, बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे। 5, 6, 7 यहाँ से पुत्र प्राप्ति का योग ज़रूर बनाएंगे, लेकिन यहाँ से बाकी लॉटरी, सट्टा, इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़े। 8वें घर में देखें तो 8वें घर में यहाँ पर छोटी मोटी बीमारियाँ भी ज़रूर कर देंगे, तो ये बहुत बुरा फल यहाँ से देने वाले होते हैं, ठीक। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ वो फिर 12वें घर से भी यहाँ से भी कुछ बनाते हैं, क्योंकि इस घर में छोटी मोटी, मतलब बात करूँ तो बीमारियाँ, रोग, ऋण, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। 12वें घर की बात करें, अगर मंगल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ये 12वां घर है, 12वां घर अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर विपरीत राजयोग बनता है तो मंगल से 6ठे घर में भी अच्छा फल मिलेगा, 8वें घर में भी अच्छा फल मिलेगा और 12वें घर में भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में है तो बहुत अच्छा फल देंगे और यहाँ भी अच्छा फल देंगे। और यहाँ बैठे हैं तो यहाँ के लिए भी बुरा फल नहीं देंगे, यहाँ बैठते हैं तो विपरीत राजयोग है, कठिन, विमल और सरल, वो राजयोग यहाँ से बन जाता है। तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में ये अच्छा फल देने की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लग्नेश शुक्र अच्छे हैं अगर ये विपरीत राजयोग में आते हैं, इस घर या इस घर कहीं भी, तो उन घरों से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई उसका ठीक अच्छा परिणाम आने लगेगा। इस घर से रिलेटेड उल्टे परिणाम की जगह यहाँ पर अच्छा आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो रिजल्ट है, विदेश यात्रा है, वो सब बनेगा, खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे के लिए उससे ज़्यादा पैसा हमेशा मिलता रहेगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ आते हैं, यहाँ पे छोटे भाई बहन, मेहनत का रिजल्ट, छोटे भाई बहनों से अच्छा फल। 7वें घर में रोग, ऋण को कम कर देंगे, 8वें घर में जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उसको बहुत अच्छा कर देंगे। तो 6, 8, 12 का मालिक, अगर 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में है, 6ठे घर का मालिक 6, 8, 12 में, 8वें घर का मालिक 6, 8, 12 में, 12वें घर का मालिक 6, 8, 12 में, तो कठिन, विमल और सरल तीन विपरीत राजयोगों की श्रेणी में आती है। मंगल यहाँ बैठेंगे तो कठिन, विमल और सरल, इस तरह के राजयोग ये बनाते हैं। तो ये था वृष लग्न में मंगल का फल, विपरीत राजयोग में आकर वो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे, 6ठे और 8वें 12 किसी भी घर में, लेकिन यहाँ पर शुक्र का बलवान होना ज़रूरी है। तो ये था मंगल दोष, सॉरी मंगल वृष लग्न में मंगल का फल। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।